हाँ तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई कैसी रात गुजरी आप लोगों की, मतलब मैच के बाद इंडिया पाकिस्तान के रात को तो बड़ी गालियाँ होने देखे सोए थे आप लोग। मैं देख रहा था फैंस जो है पाकिस्तानी फैंस स्पेशली इंडियंस को, जाहिर उनका बनता है अपना ट्रॉल करना, और मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं स्पोर्ट्स खिलाड़ी वगैरह इस तरह के चैनल्स और पेजेस को विजिट भी कर सकूँ। तो मैं तो जस्ट रात में हमारी जो यूज़ स्टॉक्स होती हैं दोस्तों की वीकेंड का, तो वो करी हमने कुछ क्रिकेट के हवाले से, जिससे कुछ हासिल नहीं होता। और फिर आज सोचा कि ये लोग जाते हैं। अच्छा अगर देखा जाए तो मैच के रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्टेड थे, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो एक तरीके से वो अपसेट होता। इंडिया क्योंकि एज अ होस्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर उसको देखा जाए तो वो ट्रॉफी के लिए फेवरेट थे, सेमीफाइनल के लिए ट्रॉफी के लिए फेवरेट था वो, मतलब वर्ल्ड कप 2020 के लिए वन ऑफ दी फेवरेट टीम में से है कि फाइनल जिसमें से होगी लाजमी होगी इंडिया। अब देखना दूसरी टीम कौन सी होगी। तो पाकिस्तान अगर उस पर हारा है तो इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं हम लोग, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसको। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने क्या गलतियाँ करी जो हर मैच में हो रही हैं, स्पिनर्स नहीं चल पा रहे हैं और मिडल में विकेट्स नहीं आ रही हैं आपके पास, शुरू में विकेट नहीं आ रही है। हसन अली एक हाथ प्रोवाइड कर दें अगर ब्रेक, तो शाहीन से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शाहीन का वो स्विंग नहीं हो रहा बॉल, उनकी लाइन ही नहीं हो रही क्रिकेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमने कहा बाकी हमारा जो बैटिंग ऑर्डर अगर वो हुआ है प्लस हुआ है, तो हम उसमें बाबर और रिजवान और इवन इमाम और अब्दुल्ला शफी को कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया इन चारों ने। अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला ने 20 रन बनाए बट उन्होंने इंटेंट शो करा अच्छा, और उसके बाद जो साउथ खिलाए हैं उनका आउट होना हम उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तो उनका अभी कैरियर का स्टार्ट है। और इतना प्रेशर मैच में तभी कहते हैं कि नए बंदों को आप नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते। लोग बोल रहे थे कि भाई शादाब की जगह पे उसामा मीर को लेकर आए, उसामा मीर शादाब ने खैर बहुत वर्स्ट बॉलिंग करी है, इवन नवाज भी अच्छी नहीं कर रहे थे। उसामा मीर का अब बनता है आना क्योंकि इंडिया का मैच ऐसा मैच होता है जिसके अंदर प्रेशर आपके ऊपर बहुत होता है, आपने इसको निकाल लिया किसी भी तरीके से, उसके बाद आप अब ट्राई करते हैं। अभी बहुत वर्ल्ड कप में मैचेस बाकी हैं बट ऐसा लग रहा है कि इंडिया से हार गए हैं और टॉप फोर में पाकिस्तान को कंसीडर ही किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अभी मोस्ट मैचेस 6 मैच बाकी हैं, और उसमें से अगर आप 3 भी जीतते हैं तो फिर रन रेट पर गेम जाता है, अगर आप 4 जीतते हैं तो आप स्ट्रेट सेमीज में होंगे जो तो बहुत ईजी है। दो जो है कंपेरेटिवली लो टीम्स हैं और बाकी जो है अच्छी। असल बैटिंग में अगर आपको ब्लेम करना है तो वो आप जाएंगे उसके ऊपर इफ्तिखार पे, इफ्तिखार अहमद पे, शादाब पे, नवाज पे। तकरीबन भी 15 ओवर खेलने थे लोअर मिडिल को तो ईजिली लोग खेल सकते थे, रन बॉल भी करते तो, और आखिर के 5 ओवर में भी हिट पे जाते तो 50 बनाते हैं, 250, 280, 290 तक भी बड़े ईजीली जा सकते थे बैटिंग के बाद, बट उनकी चीज़ जल्दी थी और आउट हो गए सारे। दूसरा पाकिस्तान उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए पैसा चला है और पैसा लगा है बहुत, क्योंकि इतने सारे बिजनेस मैन आए हुए थे इंडिया के, अगर आप देखा जाए तो अंबानी फैमिली की, बच्चन फैमिली की, एक्टर एक्ट्रेसेस बड़े आए हुए थे, तो पॉलिटिकल भी बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हुआ था, और फिर स्टेडियम में क्राउड 1,30,000 था। तो उस मौके पर अगर पाकिस्तान जीत जाता मैच यहाँ पे तो क्या सिचुएशन होती, तो और फिर से पाकिस्तान के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है ज़कर अशरफ साहब भी पहुंच गए, जो कि 2011 में सबको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे वो पहुंचे थे मैच देखने के लिए। उसके बाद से मैच का क्या हाल हुआ था, सेमीफाइनल जो इंडिया से हम हारे हैं पाकिस्तान, तो उसके पे बड़ी उंगलियाँ उठती हैं। और इवन एक्स क्रिकेटर जैसे कि उमर अकमल हो गए और कुछ और क्रिकेटर्स ने भी थोड़ा हिंट दिया है कि उस मैच में क्या हुआ था ऐसा, जिसके मैच से हट के बाद जो कि वजह बनी थी पाकिस्तान की मैच हारने की। अब पैसा लगा है, लगता तो है इंडिया में बैटिंग पत्तेबाजी का तो गढ़ है, वो पैसा लगा है इसका जो है वो तो हमें पता है, लेकिन पैसा चला है इसका हम नहीं कह सकते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच अपने इंडिया से हारा और इंडिया ने ऑल आउट करा था ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट 200 पे, तो ऑस्ट्रेलिया तो हमसे कंपेरेटिवली बहुत अच्छी टीम है, इंडिया में खेलती रहती है, आईपीएल में आती है, अभी टूर भी करा है, उसके बावजूद इंडिया से 200 पर आ गए जबकि वो उनको स्पिनर्स का अगर आप बोलें तो ऑस्ट्रेलियंस का कोई इशू नहीं है खेलने का, बट स्टिल वो भी कोलैप्स करे ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली, तो पाकिस्तान को कंसीडर नहीं किया जा रहा ना, रेट कम किया जा रहा है, तो हम इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ा लेते हैं। ये कुछ कुफर और इस्लाम की जंग थोड़ी थी, इट वॉज जस्ट अ मैच,
हाँ ट्राइबल्स हैं, हम लोग बहुत पुराने, हमारे रिकॉर्ड उनके खिलाफ जो है वर्ल्ड कप में ख़राब हैं। और जो नॉर्मल अगर आप सिचुएशन देखें तो उसमें तो बहुत अच्छा, हम लोग ODI में तो हम बहुत आगे हैं। और जो है लेकिन हमने T20 की ब्रेक करी है स्ट्रीक, होपफुली सेमीफाइनल फाइनल में अगर कुछ ऐसा दोबारा टीमें मिलती हैं, हो सकता है कि इंडिया में रह के पाकिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप जैसे फेज में इंडिया को हराना ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ट्रिकी है, इतना इजी नहीं है। उस पर सवाल हमेशा उठेंगे आया पाकिस्तान अगर जीतेगा कभी तो ये फिर शटर्स जो ब्रेक होंगे कि भाई इस तरह कुछ नहीं करते हैं। देखा जाए टॉप फोर की जो टीम्स थी उसमें न्यूजीलैंड था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड था। इसकी बात है डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, बहुत अच्छी टीम होंगी, तो उसमें से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो अभी तक क्लिक ही नहीं कर पाए हैं। आज इंग्लैंड अफगानिस्तान से हार गया है और इंग्लैंड की रिवायत रही है हमेशा से, कभी आयरलैंड से कभी नीदरलैंड से, वो हर वर्ल्ड स्टेज मैचेस में हमेशा लाजमी वो लोग हारते हैं। तो अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान पे इतनी उंगलियाँ उठ रही हैं कि एक मैच हार रहे हैं, वो भी इंडिया जैसी टीम से, और तीन में से दो मैच जीते हुए हम लोग एक हारे हैं, जस्ट और ऊपर से लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि ना ये डिज़र्व करती है, ना ये इस टीम में पोटेंशियल है, ना कुछ है। हम मानते हैं कि काफ़ी टीम के प्लेयर्स हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म हैं, ग्रेजुअली फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर हमारे पास आप ऑल्टरनेट लाजमी उसामा मीर को लाएंगे या नवाज की जगह लाते हैं, ये सब आपकी ये देखने वाली बात होगी। बट स्टिल आई थिंक कि इट्स टू अर्ली टू से कि भाई ये टीम क्वालिफाई करेगी ये नहीं करेगी। हाँ आप सकते हैं आ सकते हैं, बट मुझे जो लग रहा है टॉप फोर में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, क्योंकि इंडिया भी अभी साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से टकराएगी, वो बड़े मैचेस होंगे। इंडिया तो खैर क्वालिफाई कर जाएगा बहुत ईजीली, उनके लिए तो रास्ता आसान हो गया ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद, इन पाकिस्तान को हराने के बाद। बट मेरे नज़र में पाकिस्तान के काफ़ी चांस है जो आज इंग्लैंड हारा उसके बाद से, और आई होप पाकिस्तान पहुँचे और एक स्पाइस रहता है वर्ल्ड कप में, इंडिया भी अगर सेमीज में होता है पाकिस्तान भी, ऑल दो ना खेलने एक साथ ही दूसरे, बट एक जो स्पाइस होगा ना वो लाजमी रहना चाहिए, या पाकिस्तान इंडिया रहे सेमीज में या इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया रहे, ये स्पाइस हमेशा पे अच्छा रहेगा। इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर और बहुत मशहूर कमेंटेटर नासिर हुसैन पाकिस्तान पे कल के मैच के हार के बाद से बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ है, पाकिस्तान टीम का ये हमेशा से रहा है कि हम डिज़र्व ही नहीं करते टॉप फोर में आना, या फिर हम लोग जो है इस तरह का, मतलब हर टूर्नामेंट में होता है, बट हमने 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी भी देखा, इंडिया का पहला मैच हार रहे थे, फाइनल को हराया था। हम ये नहीं कह रहे कि भाई एक टूर्नामेंट लेके हम कर रहे हैं, पर हमारे हर टूर्नामेंट में ही इस तरह का होता है। 2019 में भी पहला मैच हम वेस्ट इंडीज से बहुत बुरा हारे थे, 1-10 को ऑल टीम आउट हुई थी, उसके बाद हम लोग सिर्फ रन रेट के बेस पे सेमीज के लिए क्वालिफाई नहीं करा था, वरना हम लोग के पॉइंट्स तो इक्वल थे टॉप फोर के हवाले से। स्टिल बाबर आजम पे अभी तक क्रिटिसाइज किया जा रहा है उनकी कैप्टनसी पे, जब तक भाई रन आउट नहीं होंगे वो अपनी तरफ से कितना कर लेंगे, बाबर आजम एक हद तक कर सकते हैं, किसकी करा एक अनफॉर्चुनेट उनका बोल्ड हो गया वो, अदरवाइज वो सही फॉर्म में आ गए थे, रिदम में अपने आ गए थे, दिख रहे थे। और पाकिस्तान की जो है इंटेंट पर बात हो रही है और लाजमी पाकिस्तान को इंटेंट शो करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट खेलना पड़ेगा, इंडिया में अगर उनको जीतना है तो उनको थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की इंटेंट बहुत अच्छी है बैटिंग में, बॉलिंग तो उनकी है ही, उनके टॉप थ्री स्पिनर्स हैं, उनके बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलिंग उनकी वीक है, बट वो एक डेंजरस टीम है, वो किसी भी टीम को हरा सकती है। इंडियन मीडिया का मैं देख रहा था स्पोर्ट्स तक, उस पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बिहेवियर अफगानिस्तान जो है आज जो इंग्लैंड को हराया है, अब हम तो अभी खेल कर आ रहे हैं पूरा सीरीज के लिए, हमने वन डे की अफगानिस्तान से और उसमें 3-0 करा, क्लीन स्वीप करा है, और वो भी श्रीलंका जैसे मेजर स्पिन ट्रैक पे, इंडिया में भी स्पिन हो रहा है बॉल, बट इतना नहीं हो रहा जितना श्रीलंका में हो रहा था, बट वी हैड सर्वाइव्ड और हम जीते, और एक मैच बस बीच में रुक रहा पर वो नितिन सैनी जो आया, ऑल दो अभी नहीं है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बट जो है वी होप कि अच्छा गया है। कल का मैच बहुत अच्छा होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का, बड़ा मैच होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाया है जीत का, और कल अगर श्रीलंका ने भी अपसेट कर दिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस बहुत कम रह जाएंगे टॉप फोर के लिए। तो अभी अगर बड़ी टीम्स में देखा है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी तक स्ट्रगल करता दिख रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, और इसी वजह से पाकिस्तान के, साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के जो है चांस ब्राइट है। इंडिया ने तो अपनी जगह मेरे नज़र में बना ली अभी से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें मैं बाबर आजम पे कुछ इनके स्टैट्स रखूँगा कि आया उन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट वाकई परफॉर्म करा है कभी, या फिर उन्होंने जिसमें बड़े प्लेयर्स भी खेल रहे हों। बड़ी टीमों में लोग बोलते हैं कि भाई आपके पाकिस्तान में तो
प्लेयर्स भी नहीं आए, मतलब उनके अगेंस्ट परफॉर्म कर, बी टीम आती है, सी टीम आती है, उसके ऊपर बाबर आजम स्कोर करते हैं, तो उनकी सारी सेंचुरीज और हर चीज़ का रिकॉर्ड मैं उसके ऊपर डिबेट करूँगा। और उसके बाद शुएब जट जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं उनको इन शाला जवाब मिलेंगे। तब तक के लिए देख लें। Yeah, we want retribution.